अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रॉप सीजन से सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 7 सालों में ये पहली बार होगा जब चीनी के निर्यात पर बैन लगाया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस साल बारिश कम होने के चलते गन्ने के प्रोडक्शन में कमी आई है। ऐसे में सरकार देश में चीनी की कीमतों को काबू में रखने और एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त गन्ना बचाने के लिए ये फैसला ले सकती है। इस फैसले के बाद भारत से ग्लोबल मार्केट में चीनी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन में कीमतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहां चीनी का आधे से ज्यादा उत्पादन होता है, वहां मॉनसून के दौरान 50% कम बारिश हुई है, इसलिए इस सीजन में तो उत्पादन कम होगा ही, अगले सीजन के लिए भी गन्ने की प्लांटिंग पर असर हो सकता है।